भाई लोग, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एसआरजी कंपनी की तरफ से आने वाले हाइड्रोलिक डोर क्लोजर का, जो कि डबल स्पीड वाला होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें डबल स्पीड होती है जिसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, और सिंगल स्पीड वाले कैसे होते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा वीडियो में, और जो नॉर्मली घर में हमारे होते हैं जो धम्म से बात करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जो भी नहीं किसी कंपनी का मिलेगा, कई बार ये कंपनी के खत्म होते हैं तो दूसरी कंपनी के मिल जाएंगे, बट आप लीजिएगा डबल स्पीड वाला जिसमें ज्यादा आपको फायदा होता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ इसकी MRP कितनी है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इसकी MRP, तो ये 800 रुपये का MRP है, जो कि हमें शॉप से लगभग 650 रुपये का मिल गया था। चलो इसको खोल कर दिखाते हैं हम कि इसमें क्या कुछ है। तो ये आप देख सकते हो, अगर आपने खुद लगाना है तो भाई एक यूज़र मैनुअल है अगर आप खुद लगाना चाहते हो, और हम अभी खुद लगा कर देखेंगे, और उसके लिए और भी क्या क्या चीज़ चाहिए उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो राइट हैंड डोर के लिए कैसे है, 2 साल की इसकी वारंटी है, और ये सारी स्टेप्स हैं कि किस किस तरह आप इसको लगाना चाहते हो। अगर आप खुद लगाना चाहते हो तो आपको इसको देखने की जरूरत है, अदरवाइज आप किसी भी कारपेंटर को कह सकते हो। लगभग 100 रुपये लिए जाते हैं इसको लगाने के, और 100 रुपये के अंदर वो आपका प्रॉपर फिट करके लगा जाएगा। लेफ्ट हैंड डोर है तो उसके लिए ऐसा है, तो आप देख सकते हो किस हिसाब से फिटिंग करनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड डोर है या फिर राइट हैंड डोर है। उसके अलावा मेन पीस तो भाई ये होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये होता है मेन पीस। यहाँ पर ये जो बटन होते, ये स्क्रूज होते हैं ये वाले, इससे इनकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है। तो दो हैं ये, तो एक होता है फ्रंट के लिए, एक होता है बैक के लिए। तो यहाँ पर आपको इस लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिल जाते हैं दोनों स्क्रूज, तो इन्हीं को जब आप टाइट करते हो तो स्पीड कम होती है, और जब आप इनको लूज करते हो यानी ढीला करते हो तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ये वाले जो ये वाले दिख रहे हैं, अंदर वाले नहीं, ये जो दिख रहे हैं स्क्रूज, ये होते हैं डबल स्पीड के लिए। और भाई बहुत बेहतरीन है ये, आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा, साथ में इसके क्या होता है वो आपको दिखा देता हूँ। ये आर्म देखने को मिल जा रही है, ये वाली काफ़ी स्टडी है, काफ़ी बढ़िया लग रही है, आप देख सकते हो। मैं निकाल कर दिखा देता हूँ इसमें से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रही है ये आर्म। तो इसको आपको लगाना होता है आपके डोर पर जिस हिसाब से सेटिंग हो, ये देखने को मिल जा रही है। इसके अलावा ये होता है, ये इसके नीचे लगा देते हैं यहाँ पर एक एक साइड ये वाले को, इसको मैं खोल देता हूँ दिखा देता हूँ आपको। प्लस इसमें कुछ स्क्रूज हैं जो स्क्रूज काम आते हैं इसके लिए, और भी कुछ एक्स्ट्रा स्क्रूज भी हैं जो कि आपको परचेज करने पड़ जाते हैं कई बार जब जरूरत पड़ती है। तो चलिए जल्दी इसको लगा कर दिखा देते हैं। तो ये आप स्क्रूज दे सकते हो, और एक ये वाला भी बड़ा स्क्रू, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि आप काम आएगा, इसमें कहाँ आएगा वो भी आपको मैं वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो भाई आपको इसके लिए ड्रिल चाहिए, और चाहे तो अपने स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हो, डायरेक्ट हमारे पास ड्रिल है क्योंकि रिवर्स एक्शन है इसमें, रिवर्स ड्रिल है तो रिवर्स हम एक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में ये चाहिए होता है आपको, ये आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक बिट होल्डर कहते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ड्रिल का भी। तो इसको यहाँ पर आप लगा लीजिए, इसको यहाँ पर टाइट कर लीजिए, उसके बाद ये होता है चक, तो इससे आप टाइट कर लीजिए अच्छे से। तो भाई लोग उसके लिए हमें बिट भी चाहिए, बिट में भी कई तरह की बिट्स हमारे पास ढेर सारी, तो उसमें से हमें ये जो प्लस वाली होती है ये वाली चाहिए, और मैग्नेटिक बिट होती है, तो इसमें बस आप डाल दीजिए और ये ऑटोमेटिक लग जाती है। चलिए अब जल्दी से हम अपना बाकी काम करते हैं। और रिवर्स बटन होता है यहाँ पर, तो ये जो रिवर्स बटन है इसको आप दबा दीजिएगा, और ये जो हैमर का ऑप्शन होता है इस, हमें इसे हैमर पे ऑप्शन के यूज़ नहीं करना क्योंकि हमें इंपैक्ट ड्रिल चाहिए, तो जो इंपैक्ट ऑप्शन है इस तरफ ही रखना है, इसे हैमर की तरफ नहीं करना, इसे इंपैक्ट की तरफ ही रखना है। तो भाई ये वाला हमारा सिंगल स्पीड वाला है जो कि आपको मैंने दिखा रखा है, अब यहाँ पर हम अपने ड्यूल स्पीड वाला लगाएंगे।
तो अभी हम पहले इनको निकाल रहे हैं, धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे आराम। देख रहे हो भाई कितने आसानी से निकल जाते हैं सब नट। और ड्रिल में रिवर्स एक्शन तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बहुत इजी कर देता है काम को ये, बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। और धीरे धीरे करना होता है, और इंपैक्ट मोड से करना होता है। इंपैक्ट मोड ही करिएगा, हैमर मोड मत यूज़ कीजिएगा। कई बार हैमर मोड पे करते हैं तो ये फिर हिला जाता है भाई। देख रहे हो कितने ईजीली निकल गया। और ड्रिल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, बहुत बढ़िया ड्रिल है, इसको जरूर मतलब सभी की पसंद है ये अली। बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए कि हाँ भाई बहुत बढ़िया ड्रिल है। ये देखिए किसी भी तरह का आपको रिवर्स काम है या कहीं पर भी छेद करना है तो उन सब चीज़ों में बढ़िया रहती है। और मैग्नेटिक बिट होल्डर देख रहे हो आप, इसलिए कामयाब होता है कि आपका जो नट होता है वो अपने आप निकाल लेता है, आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करो, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हमें दूसरे लगाने पड़ेंगे। तो भाई अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, ये अगर दरवाज़ा हमारा इस तरफ से खुलता है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये इस यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है ये इस तरफ से होगा, मतलब ये इधर पास से ज़्यादा होगा, लिखा हुआ एस आर जी है वो सीधा होगा, ये राइट हैंड साइड होना चाहिए। ये जी हमारी जो मीडियल से थोड़ा सा राइट हैंड साइड होगा, अगर जो हमारा डोर है वो लेफ्ट हैंड साइड से खुल रहा है, लेफ्ट हैंड से, और अगर राइट से खुल रहा है तो ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ऐसे लगाएंगे इसको, और इसको जो कम ज़्यादा करने का है वो सिस्टम यहाँ पर होगा इधर की तरफ राइट हैंड साइड से। ठीक है, चलिए। तो भाई सबसे पहले ये जो हैंडल सा होता है इसको लगा लो, मार्किंग कर लो इसकी। ये मेरे को ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है मेरे को। सही लग गया, सही लग गया भाई, सही लग गया। हाँ भाई बिल्कुल सही। हाँ ले क्या गिरी है, तो भाई अभी आपको ये छेद दिख रहे होंगे, हमने इसे वापस निकाला था, फिर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा ओपन ही नहीं हो रहा था। थोड़ा सा इसको ऊपर के लगाइएगा ताकि दरवाज़ा आसानी से ओपन हो जाए, हमारा ये डोर है, ऐसा ना हो कि ओपन ही ना हो। तो भाई चीज़ को बिल्कुल ऊपर के लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो आप डोर ओपन करते हो तो दिक्कत होती है। तो देख रहे हो रात हो गई है, हमने इवनिंग में स्टार्ट किया था, रात हो चुकी है। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, और जितनी मेहनत लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो इसको डिलीवरी भी रे। तो भाई अभी आपको दिखाते हैं जादू कि किस तरह नट को निकालते हैं। तो यहाँ पर ड्रिल है, रिवर्स मोड ऑन कर लेते हैं, और बिल्कुल जादू की तरह एक बटन दबाने पे ही नट जो है पूरा बाहर आ जाता है। ये देखिए कैसे कितने मज़ेदार तरीके से, और चिपक भी जाता है, बाहर आता है ना तो इसी में चिपक जाता है। ये हमारे मैग्नेटिक बिट होल्डर होते हैं, तो ये देखिए जब निकालोगे तो नट उसी में चिपक जाता है, देख रहे चिपक रहा था, ये देखो। ये देखिए मेरे पास और भी नट है। सही तो भाई बिल्कुल इसको ऊपर कर दो, ताकि प्रॉपर ऊपर कर दो, ये चीज देख रहे हो, इस चीज को प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ऊपर कर दोगे तभी सही रहेगा, प्रॉपर ऊपर रहेगा। अरे भाई उल्टा हो गया, प्रॉपर तरीके से इसको ऊपर करना बिल्कुल ऊपर, ताकि बिल्कुल भी नीचे लगने के चांस ना रहे। आपको मैं टॉप एंगल दिखा दे रहा हूँ, और उसके बाद इसको लगाइए इसको। चलिए भाई अब यहाँ पर एक नट लगा के चेक कर लेंगे इसको, जब बिल्कुल सही होगा तभी बाकी के नट लगाएंगे, वरना तो भाई इसको तो छल्ली कर दी हमने दरवाजे को।
तो ये देख रहे हो एक नट को लगा दे रहे हैं अच्छे से। खोल के दिखाएं, लग तो नहीं रहा। सही है, देख ले अच्छे से, अच्छे चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। स्लो करके अच्छे चेक कर ले। तो भाई यार आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि किस तरह को स्पीड को स्लो या ज़्यादा करते हैं। तो ये देखिए अभी जैसे बहुत तेज़ था, तो ये जो नट होते हैं इनको घुमाओगे आप तो ऊपर वाला डिफरेंट काम करता है, नीचे वाला डिफरेंट काम करता है। एक होता है जो आगे की स्पीड के लिए होता है, एक होता है पीछे की स्पीड के लिए। पीछे स्पीड मतलब जिस हिसाब से आपका, देखिए अभी आप दिखाते हैं, ये देखिए अभी तो बहुत ही ज़्यादा भाई स्पीड तेज हुई पड़ी है, तो इसको धीम कर देते हैं बिल्कुल। जितना आपको स्पीड को स्लो करना है उसको उतना ही टाइट कर दीजिए नट को, और उसके बाद इसको छोड़ेंगे आप। तो अब देखिए कैसे ये बिल्कुल धीमे धीमे जा रहा है। देख रहे हो कैसे बिल्कुल धीमे धीमे जा रहा है अभी ये। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने इसकी स्पीड करनी है। अभी तो हम जस्ट चेक कर रहे हैं प्रॉपर। कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद हम इसके जो बाकी नट वो लगा देंगे जितने भी स्क्रूज हैं। तो देख रहे हो कितने धीमे धीमे जा रहा है ये। और ये देखिए प्यार से जाके इतना धीमे खुलता है। तो भाई टेस्ट हमारा कामयाब हो चुका है, तो अब हम इसके जो बाकी के स्क्रूज हैं वो लगा दे रहे हैं। ऊपर हो गया, चल बाकी के लगा दे। हो गया प्रॉपर, सही है। तो भाई ये काम हो गया। इसके नीचे ये ढक्कन सा होता है, ये वाला, इसको लगा देते हैं। तो भाई लोग यहाँ पर हमारा टू स्पीड वाला हाइड्रोलिक डोर क्लोजर लग चुका है, अच्छे तरीके से लग चुका है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि किस तरह हमने इसकी स्पीड सेट की हुई है, कैसे करेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने जो पीछे का 45 डिग्री का एंगल है उसको बिल्कुल तेज किया हुआ है, और जो बिल्कुल लास्ट का है उसे बिल्कुल स्लो किया हुआ है, ताकि बिल्कुल भी जो दरवाज़ा है वो जो सुखाट होती है उससे बिल्कुल भी टकराए ना, आवाज़ बिल्कुल भी आए ना। तो इसको कैसे सेट करते हैं, तो यहाँ पर आपको दो, यहाँ पर स्क्रू दिखाई दे रहे हैं आपको, दो स्क्रू जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, एक ये वाला ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर वाला होता है भाई, एक नीचे है एक ऊपर है, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाला होता है 45 डिग्री जो पहले का होता है उसके लिए होता है, जो नीचे वाला जो होता है वो लास्ट 45 डिग्री के लिए होता है। तो अभी मैं फिर आपको खोल कर दिखा दे रहा हूँ नॉर्मल स्पीड में। देखिए कैसे ये जा रहा है कि पीछे तेज़ इसलिए आता है क्योंकि जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो पीछे से मक्खी या मच्छर अंदर ना घुस पाएँ, इसलिए हम पीछे से तेज़ रखते हैं, और आगे से बिल्कुल स्लो इसलिए रखते हैं ताकि बिल्कुल भी वो शोकार्ट में लगे ना। ये देखिए पीछे से तेज़ी से जाएगा और बिल्कुल नज़दीक जाके बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, उसके बाद रुक जाता है। बट भाई एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है तो आपके बहुत फ़ायदे की एडवाइस है। अगर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी तो 100 रुपये दीजिए, जो भी कारपेंटर होता है वो ईज़िली आपके ये फिट करके चला जाएगा। 100 रुपये ज़्यादा नहीं लेते हैं, हो सकता है कि उससे कम भी ले लें, बट 100 रुपये में वो आपका इजीली ये फिट करके चला जाएगा। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए क्योंकि इसके लिए काफ़ी कुछ चाहिए होता है, उस समय भी काफ़ी लग जाता है अगर आप पहली बार कर रहे हो, चाहे आपने मेरी वीडियो भी देख ली तब भी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मज़े के लिए करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए जैसे हम करते हैं यूट्यूबर्स, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भाई पैसे दीजिए और अपना काम करा लीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप खुद लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज़ मैंने को आपको समझाना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।